ओहो, लगता है शायद मैं लेट हो गया, शायद वो चले गए होंगे। सॉरी प्रताप भाई, थोड़ा आने में देरी हो गई। और बाकी कहाँ है? फोन करके पूछ लो। हाँ अजीत भाई, कहाँ पर हो? घर पे हूँ मैं अपने। हाँ तो अजीत भाई, हम पहुँच गए हैं ना, आप नहीं आ रहे हो? नहीं आ रहा हूँ। और रघु भाई, क्या हाल है? आप मुझसे पहले पहुँच गए हो। क्या करें, चलो चलो, लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। ठीक ठाक है। रघु भाई, वो सामान कहाँ है ट्रिप का? भाई आप टेंशन क्यों लेते हो, आपका भाई है ना, सामान हमने भेज दिया आगे। चलो बाबा जी, बाबा जी आप कौन हो, कहां से हो? बाबा का पता नहीं पूछते बालक। बाबा जी, सितमगढ़ यहाँ से कितना दूर है? सितमगढ़ जा रहे हो? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, मार दिया उसने सबको, कोई नहीं बचेगा। बाबा जी किसकी बात कर रहे हैं? तुम भी मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। मुझे बाबा की बात सच्ची लग रही है। हद कर रहे हो आप, ये कोई पागल ढोंगी बाबा होगा, आप मेरे साथ चलो। भाई खा मखा में आप डर रहे हो, चलो या वह में आपका, उस ढोंगी बाबा ने हमको ऐसे गिरा दिया। वो रहा हमारा मसीहा। बैठ जाओ सब, मैं सब बताता हूँ। बैठो भाई साहब, हमको अपने बाबा जी मिले थे, नहीं जाना, सब के सब मारे जाओ। वो टोपी बाज बाबा, वो सबको टोपी पहनाता है, वो सबको यही बोलता है, कोई भी सितमगढ़ बच जाना। वो पागल है पागल, वो सिर्फ झूठ बोलता है, उसकी बातों में मत आना। देखा, मैंने कहा था ना आपको उसी वक्त, जो बाबा जी ढोंगी है। लेकिन सितमगढ़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सितमगढ़ सबसे खूबसूरत जगह है। सितमगढ़ जाते ही सबसे पहले आपको एक खूबसूरत पुल मिलेगा, पुल को पार करते ही आपको जो नज़ारा मिलेगा पूरे गांव का, वो सबसे ज्यादा सुंदर होगा। आप वहाँ के खूबसूरती में गुम हो जाओगे, आपको वापस आने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा चलते हैं, देर हो जाएगी, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। अरे यहाँ तो बहुत डर लग रहा है, बहुत घना जंगल है यहाँ पर। कुछ नहीं है, चलो चलो। भाई साहब ने बोला था ये वही पुल है। हाँ ये तो वही पुल है, बहुत डरावना लग रहा है यहाँ पर। अजीत भाई, हमें लग रहा है शायद हम सितमगढ़ में पहुंच गए। हाँ सब अपने ज्ञान का ध्यान रखना। भाई कम से कम हमें इस सुनसान गांव में सोने के लिए अच्छी जगह तो मिली है। भाई आपने सही कहा, कम से कम इस सुनसान जगह पे तो हमको ये जगह तो मिली अच्छी से सोने के लिए। चलो दोस्तों उठ जाओ, नाइस।
नई सुबह नई मंदिर, चलो कहीं घूमने जाते। बहुत सुनसान गली आ गई है, ध्यान से चलना सब, ध्यान से चलना। चलो 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 चलो, क्या हुआ अंदर आराम का तो होगा। हाँ चल देखते हैं। अरे हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सितमगढ़ मेरा गाँव है, सब मारे जाओगे। हमने रांची को भी कहने डाला है। चलो 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 चलो। टेंशन मत लो, अब हम एकजुट रहेंगे, जो होना था सो हो गया। आप यहीं रुको, आप बिल्कुल नहीं डरना, मैं भी पंडित जी को लेकर आता हूँ, इस मुसीबत को वही हमें समाधान देंगे। पता नहीं पंडित जी क्या मुसीबत आ गई है। मत निरंजन, आओ बच्चों आप स्थान ग्रहण करो। बोलो बच्चों क्या है आपकी समस्या। पंडित जी अभी तक हमारे दो बंदे मारे गए हैं, पता ही नहीं चला। हमको एक चिट्ठी मिली कि यहाँ स्तंभगढ़ मेरा है, यहाँ सब मारे जाओगे, और खून से लथपथ भरे थे वो। नक निरंजन बच्चा, यहाँ पर एक भूत है, आप सब की मौत निकट है। रुको मैं कुछ करता हूँ। ओम भट स्वाहा, भूत निकरनानं स्वाहा, ओम भट स्वाहा। पंडित जी अब हमें से कोई भी नहीं बचेगा, मुझे लगता है वो यहाँ पर भी आ गया है। मैं अब और नहीं भाग सकता, आप जाओ।
रात हम यहाँ पर जैसे से गुजारते कल अपने घर चले जाएंगे। ठीक है। लाइट को क्या हुआ है? पता नहीं, इस लाइट को भी अभी हमको डराना था। संजय को क्या हुआ? क्या हुआ संजय को? क्या हुआ संजय? ओ शिट, वो ये भी मार गया। राघव भाई मैं हाथ धो के आता हूँ, इसका खून लग गया। हाँ चल यहाँ। तो ये कैसा खून यहाँ से निकल ही नहीं रहा है? ये खून कहाँ से आया? वो बाबा जी सच बोल रहे थे, हम सब मारेंगे। और भाई साहब कैसा रहा आपका ट्रिप? आप तो वही हो भाई साहब जो हमको। हाँ भाई साहब मैं वही हूँ भाई साहब। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा। भाई साहब आपके साथ ही कहाँ है? कोई भी नहीं बचा, सब मारे गए। क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पर कुछ हो रहा है भाई साहब। भाई साहब रुको मैं ठीक करता हूँ। नहीं तो सर का यही हाल होगा, सब मारे जाओगे।